हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज आपके सामने मैं कुछ स्टोरीज हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती हैं, वो स्टोरीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले एक दो दोस्तों की बात करते हैं जो कि शहर जाते हैं किसी काम से, और वो उनका जो वापस आना होता है वो गांव के रहने वाले होते हैं, तो उन्होंने वापस आना होता है अपने घर को शाम को। तो आते आते रास्ते में एक जंगल आता है, तो ये दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए देखता है कि पानी के लिए कुछ मिल जाए, तो वो रास्ता भटक जाते हैं जंगल में। तो ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है, तो उनको ये होता है कि अब रात हो गई है तो अब घर कैसे पहुंचेंगे। तब तो घर पहुंचने के लिए एक तो दूसरे दोस्त को एक गुफा दिखाई देती है रास्ते में जाते हुए, तो रात को अपने घर वापस जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, आज रात हम ये गुफा में ही निकाल लेते हैं, या रात यहाँ निकालते हैं, कल सुबह चलेंगे। तो दोनों दोस्त वहाँ पे जाते हैं, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं। तो दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप होता है, उसने काफ़ी स्टोरीज वगैरह सुनी होती हैं कि भूत प्रेत वगैरह रात को ऐसे होता है वैसे होता है, और जो भटक जाते हैं रास्ता उनको ये भूत वगैरह परेशान करते हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरीज जो हैं उसने सुनी हुई थी, तो उसके मन में बस ये डर बैठा हुआ था कि शायद यहाँ पे कुछ होगा या हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए कुछ भी। और वो अपने दोस्त से डरा डरा बात करता है कि मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी हुई है और मुझे डर लग रहा है। तो उसका जो दोस्त होता है वो उसकी बात सुन के हंस पड़ता है, वो बोलता है कि तू इस बात पे यकीन करता है, तूने कभी खुद भूत देखे हैं? तो उसका जो फ्रेंड होता है जो डरता है वो बोलता है कि नहीं, मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों या फ्रेंड सर्कल में सुना है कि ये चीजें हैं होती हैं। तो वो बाद में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दूसरा दोस्त उसका बोलता है कुछ नहीं होता है, तू सो जा, हमने सुबह जाना है, तो अभी परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तेरे पास हूँ, ठीक है। वो इतनी बात बोलकर सो जाता है। और जो दूसरा दोस्त होता है वो पहले बाहर देखता है, वो आग जल रही होती है तो उसकी उसकी लाइट में उसको कई ऐसी और परेशानियां दिखाई देती हैं, वो उनको ही इमेजिनेशन बना लेता है कि कुछ है, कोई चीज है जो मेरे ऊपर नजर रखी हुई है और मेरी तरफ आ रही है, या कुछ भी ऐसा अभी थोड़ी देर में कुछ होगा। तो ऐसी कुछ चीजें वो अपने माइंड में ही ना कुछ स्टोरीज बनाने लग जाता है। तो फिर उसके बाद में वो सोने की कोशिश करता है, जब भी उसकी आंख लगती है तब क्या होता है कि उसको कुछ डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो देखता है कि कोई डरावना सी शक्ल वाला कोई भूत है और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और मेरी गर्दन तक उसका हाथ आ रहा है और वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इतनी सी चीज देखकर वो घबरा कर उठ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उठने के साथ ही वो अपने दोस्त को हिला के उठाता है, तो उसको सारी बात बताता है कि मुझे सपने में ये चीज दिखाई दी है। तो उसका दोस्त फिर से हंसता है और उसको बोलता है कि अगर दोबारा तुझे सपना आए ना तो अपने सपने में उस भूत को बोलना कि मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता, जो करना है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरता। तो जितनी देर तू ये बोलेगा उतनी देर में वो भाग जाएगा, तुझे कुछ नहीं करेगा। तो ये बात कहने के बाद वो दोस्त फिर सो जाता है, और जो वो डरपोक दोस्त होता है फिर वो सोने की ट्राई करता है, और जैसे ही वो सोता है उसको फिर वो परेशानी दिखाई देने लगती है जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और जैसे ही वो धीरे धीरे उसके पास आती है, उसने अंदर से हिम्मत जुटाकर वो बातें जो लाइन उसके दोस्त ने बोली थी वो बोलनी शुरू की कि मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता। जब उसने इतनी हिम्मत करके ये बात अपने सपने में उस भूत के सामने बोलनी शुरू की, वैसे 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 ही वो भूत की परेछाई जो थी वो धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। मतलब ये कि उसके बाद में उसके अंदर का जो डर था, जो उसके अंदर बैठा हुआ था कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हमारी जो रियल लाइफ चल रही है इसमें भी ये सेम चीज है। अपना डर जब हमें पता नहीं है कि वैसे ही हमने सुना हुआ है कि ये चीज अच्छा, कोई काम भी करना है ना तब भी ये होता है कि ये करेंगे तो ये फिर क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने ये चीज सोचनी होती है। डर अंदर बैठा हुआ है ना कि पॉजिटिव के साथ हमने नेगेटिव जरूर देखना है, तो पर अगर नेगेटिव होना है वो तो हो ही जाना है। तो आप अपना अच्छा सोचने की बजाय अब गलत ही क्यों सोच रहे हो, ठीक है ना? तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो ना
होता है कई चीजों में ऐसा होता है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी देखना पड़ता है, दोनों चीजें बैलेंस करके चलानी पड़ती हैं। लेकिन जो मन के अंदर बेवजह डर बैठा के रखा है, वो तो कोई मतलब उसका तो कोई वो सोल्यूशन नहीं है ना, वो तो कोई हल ही नहीं है उसका निकलता, वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसका बस इस स्टोरी का जो एंड है उसमें बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपना जो फालतू का डर है उसे एक साइड पे रखिए, क्योंकि डर वो डराता वही वही है जो कहता है कि ये आगे ना बढ़ सके, कुछ कर लेगा, कुछ कर दिखा देगा। तो वो डर इसीलिए मन में बिठाया होता है। अगर आप अपने डर के ऊपर काबू पालोगे तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। सो अपने डर को काबू में करना सीखो, अपने डर पे जीत हासिल करना सीखो।